started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. So it's 10th of November, Sunday morning, and it's 4:45 in the morning. और आज का कुछ प्लान बहुत ही अलग और स्पेशल है बिकॉज मैं पहले उठ जाता हूँ. सो हेलो गाइज, दिस इज प्रदीप शर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बी द चेंज. और आज मैं जयपुर में हूँ और ये ब्लॉग जयपुर से शुरू हो रहा है. सो कल रात में कुछ ऐसा हुआ कि जब हम अपने दोस्तों के जाते हैं, अपने भाइयों के जाते हैं, तो ऑफ कोर्स एक नींद नाम की चिड़िया होती है जो कभी आती ही नहीं है, और रात में तो खास करके नहीं आती है. तो पूरी रात हमने कुछ गप्पो शप्पो में लगा दी, और जब सोने का मौका आया फिर उठने का टाइम हो गया. तो इसी चहल पहल में हम सोते उठते और उठ गए, और सुबह निकलने का टाइम हो चुका है और भाई अभी तक सो रहा है. तो सबसे पहले अपन उठाते हैं अपने भाई को. उठ जा भाई, चलो कुछ इंटरेस्टिंग सा करने के लिए. हाँ भाई, चलो. ओके, सो अब रेडी होने का टाइम है, और 1 2 3. सो आई एम बैक गाइस, और वो कुछ रह चुका है. यू नो व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट टुडे इज एवरीथिंग. इस तरीके से शूज पहनना हो चुका है बोरिंग यार, कुछ नया करते हैं. सो बात कुछ अब ऐसी है कि बात एकदम घर जैसी है. अपने कुछ और भाई लोग आ रहे हैं, सो उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं. द व्लॉग इज स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली. और रास्ते में जो भी हुआ उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, और अब दोस्त हों और गड़बड़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता. सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जन्नत में. जस्ट लुक एट बेसिकली दिस प्लेस इज एक्चुअली कॉल्ड द नाहरगढ़ फोर्ट. एंड सो वंस अगेन आई विल टेल दैट कि भाई कौन कौन आया हुआ है अपने साथ. और हमारे एक बहुत महान कलाकार हैं, वो आज गिम्बल हैंडल कर रहे हैं. हाँ, और उन्होंने आज बहुत मतलब सही टाइम पे हमको लेकर के आए हैं. तो हम भाई को ढूंढते ढूंढते कहाँ आए, और ये भाई बैठे हुए हैं इस सन्नाटे में, इस अकेलेपन में. लिटरली कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा है मनु, अकेला तो है ना. तो तूने क्या बनाया अभी तक उसमें गिम्बल में, ये बता तू मुझे. हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, इन्हें बर्गर खवाओ, इन्हें लेके जाओ लाहौर, उठे पराठे खवाओ, कढ़ाइयां खवाओ, इन्हें टेढ़े वड्डे कराओ. ये क्या हो रहा है इधर, हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते. मनु, आज तुमने रास्ते में क्या करा? रास्ते में भाई मैं ऐसे एंजॉय करते हुए आया, गाने सुनते हुए आया. अच्छा. हाँ भाई, और जो
मॉर्निंग के अंदर हम निकले थे जिस वक्त, उस वक्त गूगल के अकॉर्डिंग टाइमिंग जो बता रहा था वो 6:42 मॉर्निंग में बता रहा था कि हाँ सनराइज हो जाएगा, और उस टाइम के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी लेट चल रहे थे। और हमने बहुत पढ़े लिखे इंसान को एक गूगल मैप्स नाम की एक एप्लीकेशन पकड़ाई, और उन्होंने उसका बखूबी इस्तेमाल करते हुए एक हमारे साथ चोट करी। उधर व्हीकल सेलेक्ट करने का आता है और उन्होंने सेलेक्ट किया कि हम पैदल ही जा रहे हैं। मतलब पैदल जा रहे हैं यार, कार में पैदल जा रहे हैं। बोलो तुमने किया मिस सनराइज? क्यों नहीं किया भाई? कहाँ किया भाई? कौन लेके आया? लेके तू कैसे भी आया, वो दैट्स नॉट प्रॉब्लम। हमने देखा ना सनराइज भाई, जान पहले और जान है तो भाई जान है। जान पे खेल के कौन आया? मैं। तो किसकी गलती हुई? तेरी। तो आज के व्लॉग की कहानी कुछ ऐसी ही रही है, और फिर हमारे पढ़े लिखे दूसरे भाई ने संभाला गूगल मैप, और कुछ ऐसी जगहों पर आने के बाद जो आशिकों का हाल होता है वो सिमट आया है सदियों का सफर। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर। तो इस ब्लॉग के अंदर अगर सबसे पहली बात देखी जाए तो भाइयों का जो है वो इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, सब कैमरा शाय हैं। तो कैमरे के सामने आने से और कैमरे के सामने बोलने से थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। एक तो आशिक देख ही लिया आपने। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे जागते जागते। ये जो व्लॉग था, इस व्लॉग के अंदर मैंने नाहरगढ़ फोर्ट नहीं दिखाया है, बिकॉज पर्टिकुलर रीज़न इस ब्लॉग को बनाने का हमारा था सनराइज को कैप्चर करना, और वो हमने बखूबी किया है, और थोड़ा सा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। और मॉर्निंग टाइम वाकई में मेरे लिए बहुत एक्टिव होता है, और ट्रस्ट मी सर्दियों के दिनों में घूमना और सुबह सुबह सूरज के सामने जा कर के और महसूस करना सूरज की किरणों को अपने ऊपर प्राइसलेस होता है। सो गुड थिंग अबाउट दिस ब्लॉग इज एवरीथिंग। सो आज करते हैं मेरे कुछ लाइफ के सफ़र के बारे में बात, कि मैं व्लॉगिंग तक कैसे पहुंचा। मैंने मेरी लाइफ के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, मैंने हर एक चीज़ ट्राई करी है ऑलमोस्ट। जब मैं थोड़ा सा बड़ा होने लगा, मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में था, तो उस समय में मैंने सिंगिंग ट्राई करी और मैंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट लिया। बाकायदा मैंने एक स्कूल का फंक्शन था उसके अंदर पार्टिसिपेट लेकर के परफॉर्म किया। थोड़ा सा और बड़ा होने के बाद आई फेल्ट दैट कि मुझे अब डांस करना चाहिए। मैंने डांस क्लास ज्वाइन करी, 10th क्लास की बात थी, और डांस ज्वाइन करने के बाद मैंने फिर स्कूल के अंदर डांस परफॉर्म किया। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 12th तक आ गया और बाइक्स का शौक था। 9th क्लास में जब मैं था तो हमने एक ग्रुप बनाया था, मेरा फ्रेंड है एक अबीला भाटी, और हमने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था मैड बॉयज। ऑफकोर्स ये नाम थोड़ा सा अलग हो गया। तो ये जो लाइफ में कुछ अलग करने की चाह थी ना, ये कभी ख़त्म नहीं हुई। तो हमने 9th क्लास में एक वो ग्रुप बनाया, ओके एरोप्लेन नॉट अगेन क्या। उसके बाद आई 12th, जब तक बाइक का थोड़ा सा क्रेज़ हो गया और बाइक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखने लगा, मैं गाड़ियों के बारे में सीखने लगा, मैंने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करे। उस समय माइंड में थॉट आया था जब मैं ग्रेजुएशन एंटर हुआ कि हाँ मोटो व्लॉगिंग करनी है। तो उस एज में मैंने समझा कि मोटो व्लॉगिंग होती क्या है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था ग्रेजुएशन की। पर मैं उसके लिए सोर्सेज इकट्ठे करने लगा कि मुझे चीज़ें क्या क्या चाहिए होंगी, जैसे कि एक कैमरा चाहिए होगा, एक एक्शन कैमरा हुआ, जैकेट्स हुई, एक ऑफकोर्स एक बाइक हुई। तो जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मैं एक बाइक ले चुका था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के चलते हुए सेकेंड ईयर तक मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी। मॉडलिंग करने के बाद करीबन अराउंड मैंने 7 to 8 months मैंने मॉडलिंग करी, मुझे फील आया कि नहीं मुझे मॉडलिंग भी नहीं करनी है। एंड देन आई चूज माई करियर एज अ लॉ एस्पिरेंट, और मैंने लॉ स्टार्ट करी मेरी लाइफ की। अपने बारे में इस ब्लॉग के अंदर मैंने वैसे काफ़ी कुछ बताया है,
बहुत से लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे, बहुत से लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे. जो नहीं पहुँचे होंगे, जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स मेरे बारे में जान नहीं पाएंगे. और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वेलकम टू माई वर्ल्ड. दिस इज़ प्रदीप शर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बी द चेंज. तो मैंने लाइफ में बस एक चीज़ सीखी कि आपको ना रुकना नहीं चाहिए. बस जो समझ आता है कि लाइक हाँ आप ये इस चीज़ पे ट्राई करना चाहते हैं, ये चीज़ करना चाहते हैं, आपको लाइफ में एक बार ज़रूर करना चाहिए उस चीज़ को. लाइफ में बाद में आपको ये रिग्रेट फील ना हो कि मैंने उस वक्त नहीं करी. और उस वक्त आप कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, आप अपने माइंडसेट को लेके बहुत क्लियर होगे. लाइक मुझे आज पता है कि हाँ मुझे मॉडलिंग नहीं करनी है, मुझे आज पता है कि हाँ मुझे डांसिंग नहीं करनी, हाँ मुझे पता है सिंगिंग नहीं करनी, हाँ मुझे पता है मुझे किसी बाइकिंग ग्रुप पे नहीं जाना है. बहुत सी चीज़ें हैं, या सोलो राइडर बनना है, टूरर बनना है, रेसर बनना है, ये सब आप इन चीज़ों से सीखते हो. सो ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह को चुना जाए, बताऊँ और आपको एक सनराइज होता हुआ दिखाऊँ और ये व्लॉग को एकदम पॉजिटिव कर दूं. रो क्यों रही है या रो क्यों रहा है? चल बेटा तुझे कुछ खिलाते हैं. वीडियो के साथ में एक छोटा सा मैसेज और देना चाहता हूँ यार, कहीं भी आपको अगर पेट्स वगैरह मिलते हैं, 10-20 रुपए में किसी की कोई ज़िंदगी नहीं बदलती, पर शायद दिन की बदल जाती है. एक टाइम खाना खिला दिया करो, 10 रुपए का पाले जी का बिस्किट का पैकेट आता है, अगर वो भी डाल दोगे ना तो शायद इनका 2-3 दिन या 1-2 दिन और निकल जाएंगे. बिकॉज ये एक है, जीव ऐसे होते हैं कि यार इंसान के साथ इतने लॉयल ना शायद कोई और जानवर नहीं होता होगा जितने डॉग्स होते हैं. तो थोड़ा बहुत करते रहा करिए, ऊपर वाले की दुआ मिलेगी, मन्नु की दुआ मिलेगी. बिल्कुल मिलेगी भाई, इनसे ज़्यादा लॉयल तो कोई देखा भाई कभी किसी ने, है ना मन्नु? हाँ भाई, आई विश मैं भी एक डॉग रख सकता. डॉग रख सकता? हाँ भाई, क्यों नहीं रख सकते? कोई नहीं, अपन पर्सनल नहीं रख सकते, पर अपने घर के बाहर हैं, अपन उनको फीड कर सकते हैं और करते ही हैं. जैसे अपना जग्गू है अपने घर के बाहर, ब्लैक कलर का है ना वो.